अस्सलाम वालेकुम जी, अहमद शेख आप लोगों के साथ। एनआरएसएल निमीर रिजिन्स लिमिटेड का जो फंडामेंटल और रिजल्ट एनालिसिस है, बहुत सारे दोस्त मुझसे कमेंट कर रहे थे फेसबुक पे भी और उधर यूट्यूब चैनल पर भी, इधर अक्सर ग्रुप में भी, कि जी आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है, इसको आपने डिस्कस नहीं किया। तो वैसे मेरी ये वॉच लिस्ट में कुछ अर्सा पहले तक तो था, फिर मैं इसको रेगुलरली वॉच आउट नहीं कर रहा था, इसी वजह से मैंने इस पर आप लोगों के साथ कुछ शेयर नहीं किया डाटा। अब आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ डाटा। सबसे पहले ये आप लोगों के सामने इनकी इक्विटी है, ये थाउजेंड्स में है जी अमाउंट, 1.9 बिलियन, तकरीबन 2 अरब रुपए की इक्विटी है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आपके सामने है जी, ये करंट लाइबिलिटीज, टोटल करंट प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का अगर आप टोटल देखें तो ये 1 अरब 79 करोड़, तकरीबन 2 अरब रुपए की बनती हैं जी लाइबिलिटीज। इसके अलावा करंट एसेट्स भी आप लोगों के सामने, इन्वेंट्री इसमें शामिल है 1 अरब की, वैसे करंट एसेट्स हैं जी 2.6 अरब के, क्विक एसेट्स बनते हैं ये 1.6 अरब रुपए के। डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी अच्छी है एनआरएसएल की, तो 0.92। इसके अलावा करंट रेशियो इनकी काफ़ी अच्छी है 1.63। करंट क्विक रेशियो जो है वो बनती है जी इनकी 0.99, मतलब क्विक रेशियो भी काफ़ी अच्छी है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कंपनी ठीक लग रही है मुझे। इसके अलावा बिजनेस जो नेचर है इनकी वो है जी केमिकल सेक्टर में फॉल करते हैं, जिसमें आईसीएल और एनआईसीएल, बहुत सारे दूसरे आपको नजर आते होंगे, डाइनो, बाइफो, ये तमाम जो सेक्टर है ये केमिकल सेक्टर में फॉल करते हैं। इनकी सेल्स एक क्वार्टर की अगर आप देखें तो सेल्स बड़ी इम्प्रेसिव है, मतलब ये केमिकल सेक्टर में ठीक है, अच्छे स्क्रिप्ट काफ़ी सारे हो चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन इनकी सेल्स भी काफ़ी इम्प्रेसिव हैं। इस हिसाब से अगर शेयर प्राइस देखें तो मुझे शेयर प्राइस इसकी थोड़ी सी कम लग रही है। सेल्स इनकी 1.8 बिलियन की हैं, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में थी जी 1.2 बिलियन की, तो 47.40% इजाफा हुआ है सेल्स में, कॉस्ट ऑफ सेल्स में कमी हुई है, परसेंटेज के अतबार से 3.40% के अतबार से कमी हुई है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इनकी थोड़ी सी कम हुई है, एडमिन कॉस्ट इनकी थोड़ी सी कम हुई है, फाइनेंस कॉस्ट इनकी हाफ रह गई है और अदर इनकम इनकी वो भी हाफ रह गई है। खैर ये कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं था, माइनर अमाउंट बनती है। तो नेट प्रॉफिट अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट 3 टाइम से भी थोड़ा सा ज्यादा बनता है, मतलब ऑलमोस्ट 4 टाइम्स बन जाता है जी ये प्रॉफिट, परसेंटेज के अतबार से भी अगर आप बात करें तो 4.70% का इजाफा हुआ है प्रॉफिटेबिलिटी में। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 0.08 अर्निंग पर शेयर थी, जबकि इस क्वार्टर में 0.43 अर्निंग पर शेयर है। 12 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट है और ये अगर ट्रेंड इसका देखें टेक्निकली तो ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है। टारगेट प्राइस इसकी जो मैं समझता हूँ, जिस हिसाब से इसका वॉल्यूम और मूव बन रही है इस दिसंबर तक के लिए, ये 25 से 27 रुपए तक हो सकता है और स्टॉप लॉस पॉइंट इसका अभी के लेवल पे 17 रुपए या इससे नीचे क्लोजिंग दे तो स्टॉप लॉस पॉइंट है आपका। ये कंपनी बेसिकली ये सब्सिडरी कंपनी है एनआईसीएल की भी, जो कि अल्टीमेट पेरेंट कंपनी है। तो वैसे जो इमीडिएटली ये सब्सिडरी कंपनी है निमीर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड की, लेकिन अल्टीमेटली एनआईसीएल जो है इन दोनों की पेरेंट कंपनी है, तो इस वजह से ये दोनों आप कंसीडर कर सकते हैं। वो भी केमिकल सेक्टर में ही फॉल करते हैं, इस बार उन्होंने डिविडेंड भी दिया था, प्लस उसकी परफॉर्मेंस और सेल्स और वो भी काफ़ी बेहतर हुए हैं और यही वजह है कि वो शायद अपने ये सब्सिडरीज को भी बिजनेस, क्योंकि ये आपस में भी बिजनेस करते हैं काफ़ी सारा, तो इस वजह से इनका आपस में ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम भी रीजनेबल वॉल्यूम है। वो आप अगर डिटेल में इनकी रिपोर्ट्स देखें तो वहाँ पे भी आपको मिलेगा। तो ये जी आप लोगों के साथ डाटा और फंडामेंटली शेयर किया है, ओवरऑल ये कंपनी मुझे इम्प्रूव होती नज़र आ रही है और माइट पॉसिबल कि इसको ट्रेडिंग के अलावा भी कुछ अरसे के बाद इसमें शायद कोई पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली है जो अभी तक हमारे तक नहीं पहुंची और कुछ फर्दर एडिशन होगी। यही वजह है कि इतने अच्छे वॉल्यूम के साथ ये अच्छा खासा गेन दे रहा है, तो सेंटीमेंट्स इसमें काफ़ी पॉजिटिव है। लेट्स सी कि फ्यूचर में इसकी क्या गुड न्यूज़ आती है।
उसके बाद इसमें मजीद अपना हम असेसमेंट करेंगे नेक्स्ट रिजल्ट्स के बाद के टारगेट क्या हो सकते हैं। तो ये कोई बाइंग सेलिंग कॉल बिल्कुल नहीं है, आप अपने हिसाब से वर्किंग करके रिसर्च करके तो अपनी एंट्री या एग्जिट ले सकते हैं। अल्लाह।